हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं अनिल कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष मैच पॉइंट पर स्वागत करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो बात कर रहे थे कक्षा 10th के, जो लास्ट के दो वीडियो थे वो वेरी इंपॉर्टेंट थे। अपने जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण और असमीकरण थे उनके डाले थे, तो उनको देख लिए होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा। और आज जो वीडियो जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और कक्षा 10th के हिसाब से पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो अपने बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कक्षा 10th में, उन्हीं की बात करेंगे इसमें। तो मैं यहाँ शुरू करता हूँ, पहले इसका बेसिक पढ़ते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है वो टॉपिक है एक, उसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं, क्या क्या प्रकरण आते हैं, उसकी बात करते हैं। ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गणितीय माध्य, कौन सा, गणितीय माध्य, और दूसरा होता है स्थिति संबंधी माध्य। स्थिति संबंधी माध्य, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है उसमें पहला तो होता है गणितीय माध्य, दूसरा होता है स्थिति माध्य। गणितीय माध्य है उसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें पहला होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य, दूसरा होता है गुणोत्तर माध्य, तीसरा होता है हरात्मक माध्य, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें जो पहला होता है वो पहला होता है माध्यक या माध्यक और या माध्यिका भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहां देखिए ये समांतर माध्य है, ये माध्यक है, माध्यिका, ठीक है। इसका दूसरा है जो है कौन है, बहुलक। अब जो कक्षा 10th में आते हैं इनमें से कौन कौन से पढ़ेंगे कि सभी पढ़ेंगे, ठीक है, तो बता देता हूं इसमें कौन कौन सा पढ़ेंगे। तो गणितीय माध्य में समांतर माध्य पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फिर स्थिति माध्य के दोनों पढ़ेंगे, तो माध्यक और क्या पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों अपने इंपोर्टेंट है, तीनों में से दो क्वेश्चन पूछता है अपने, दो पूछता है, माध्य पूछ ले, माध्य के साथ क्या पूछ ले, माध्यक पूछ ले, माध्य बहुलक पूछ ले, माध्यक या बहुलक दोनों पूछ ले, ठीक है फ्रेंड। तो इनमें से अपने पास दो क्वेश्चन पूछेगा, और जो टोटल क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक में से वो 6 नंबर का आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी है। मैं आपको बता दूं क्या है, इजी है। तो अपन जो आज इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य जो है उसको अपन बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां समांतर माध्य है, इस वीडियो में अपन समांतर माध्य की ही बात करेंगे, जो नेक्स्ट दो वीडियो और आएंगे उसमें माध्यक और बहुलक की बात करेंगे। तो यहां शुरू करते हैं, देखना समांतर माध्य पढ़ते हैं क्या, समांतर माध्य, समांतर माध्य। आपने एक शब्द सुना होगा अंकगणित में औसत, वो औसत इसी को ही बोलते हैं। इसमें अपने सांख्यिकी है उसमें तो समांतर माध्य बोलते हैं, और जो अपने अंकगणित आती है उसमें इसी को क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। औसत और समांतर माध्य एक ही है। तो मैं पहले बता देता हूं समांतर माध्य जो है वो क्या है, सुनना, समांतर माध्य को अपन किससे निरूपित करते हैं, एक्स बार से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है, यही औसत होता है। या फिर मैं ये बोल सकता हूं संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, जितने संख्याएं दे रखी हैं उनका योग करके ऊपर लिख देंगे, और जितने संख्याएं हैं काउंट करके लिख लेंगे, उसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, जो आएगा वो क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बनते हैं। अपन सबसे पहले तो जो क्वेश्चन बनता है औसत के हिसाब का, जो क्वेश्चन बनता है जो समांतर माध्य में पूछा जाता है उसकी बात करते हैं। फिर अपन असतत बारंबार, जो असतत सारणी होती है, असतत बारंबारता वाली, उसकी बात करेंगे, और फिर जो सतत जो वर्गीकृत आती है उसकी बात करेंगे। अपन समांतर माध्य की बात में कल्पित माध्य की बात करेंगे आज इस वीडियो में, और पद विचलन की भी बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक। तो देखिए जो आगे अपन शुरू करते हैं, मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं बिना टाइम गवाए। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा।
आप देख रहे हैं मैं बोलता हूं क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि एक कक्षा में 45 छात्र जिनमें से 15 लड़कियां हैं, लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है तथा लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम है, कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, और कुल विद्यार्थी कितने हैं 45, कुल जो छात्र हैं वो कितने हैं 45 हैं। इसमें अपने वो दे रखा है लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां जो है वो कितनी हैं 15 लड़कियां हैं, तो लड़के निकालेंगे और लड़के निकाल सकते हैं, देखिए टोटल 45 है उसमें से 15 तो लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे 45 माइनस 15 बराबर कितने बच गए 30 बच गए। अब अपने को क्या निकालना है, ये निकालना है क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो कक्षा है टोटल 45 विद्यार्थियों की, 45 छात्रों की जो कक्षा है उस पूरी कक्षा का औसत भार या माध्य कितना है, तो माध्य के निकालने के लिए अपने को माध्य जो निकालेंगे वो निकालने के अपने को ये पता होना चाहिए कि जो कक्षा है अपनी टोटल उस टोटल कक्षा का कुल भार कितना है, और कुल भार निकालने के लिए अपने को क्या करेंगे, लड़कियां दे रखी हैं 15 और लड़कियों का औसत भार, इनका औसत भार कितना दे रखा है, औसत भार जो है वो 45 केजी दे रखा है, ठीक है, और लड़कों का औसत भार कितना दे रखा है, औसत भार बराबर दे रखा है 52 केजी, कितना 52 केजी। अब यहां सुनना, अपन ने यहां मैं शुरू में बताया था कि समांतर माध्य x बार बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। यहां देखिए अपने को यहां आंकड़े लड़कियां दे रखी हैं, ठीक है, तो यहां देखना लड़कियां कितनी है, संख्या कितनी है लड़कियों की 15, इनका समांतर माध्य कितना है 45, इसका मतलब अपने को क्या चाहिए, आंकड़ों का योग निकालें तो फिर इस आंकड़ों की संख्या को इस समांतर माध्य से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो योग आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, तो मैं क्या कर दूं, यहां देखना, तो यहां लिखते हैं लड़कियों का कुल भार, लड़कियों का कुल भार निकालने के क्या करेंगे, 15 को गुणा करेंगे 45 से, तो कितना आएगा 15 × 5 = 75 15 × 7 और 7 कितना हो गया दोस्तों 67। जो कक्षा में लड़कियां हैं उनका जो कुल भार है वो कितना आ जाएगा 675 केजी आ जाएगा। अब क्या करें, लड़कों का कुल भार, और लड़कों का जो कुल भार निकालें तो 30 को कितने से गुणा कर देंगे 52 से, यहां देखो 0 है तो 0 लग जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा और 5 × 3 = 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा लड़कों का 1560 केजी, 1560 केजी हो जाएगा। यहां पर निकाले कक्षा में कुल भार लड़कों और लड़कियों का कितना हो जाएगा, यहां 5 आ जाएगा, 7 × 6 = 13 एक बचेगा, 6 × 5 = 11 = 12 और यहां कितना आ जाएगा 2235 केजी क्या आ जाएगा दोस्तों, कुल भार आ जाएगा, जो कक्षा है अपनी उसका कुल भार कितना आ जाएगा 2235 आ जाएगा। अब अपने को निकालना है औसत भार या माध्य निकालना है, कक्षा का टोटल माध्य निकालना है, तो x भार बराबर यहां सूत्र में लिख देता हूं छात्रों या कक्षा का कुल भार, कक्षा का कुल भार बटे छात्रों की संख्या, छात्रों में क्या लड़कियां और लड़के तो दोनों आ जाएंगे, तो कुल भार कितना हो गया 2235 केजी बटे कितना है कुल विद्यार्थी कितने हैं 45, और इसका जब भाग देंगे तो 2235 में भाग दूं मैं कितने का, तो पहले अपन 5 से काट लेते हैं इसको, 5 से काटेंगे तो 9 आएगा, यहां 520 आएगा, 2 बचेगा 3, 500 कितना हो जाएगा 20, 3 बचेंगे 5 आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 447 बटे कितना 9, अब इसको काटेंगे तो 9 × 36 = 36 आया और बचेंगे कितने, जब 44 है 44 में से जब 36 जाएंगे तो 8 बचेंगे, ठीक है, ठीक है, अब यहां 8 बचे, यहां 7 आ जाएगा
तो 9 9 कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे। यहां बचेगा 6, पॉइंट लगाया 0 आएगा, तो 9 6 कितने होते हैं, 54 आ जाएगा। यहां जो बचेगा वो 6 और 0 आ जाएगा, और 9 6 कितने हो जाएंगे, 54। तो जो माध्य आया अपना x भार बराबर कितना आ गया, 49.66। ये क्या होता है, लगभग इतना आएगा जो केजी है, ठीक है, इतना लगभग इतना केजी आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा, कुल विद्यार्थी दे रखे थे 45, लड़कियों की संख्या देखी थी 15, इनका औसत भार 45 दे रखा था, लड़कों का संख्या हो गई 30, औसत भार 52 हो गया। लड़कियां जो है उसका कुल भार निकाल लिए, 45 को 15 से गुणा कर दिए, 675 हो गया, ठीक है। यहां लड़कों का कुल भार निकाल लिए 1560, जब पूरी कक्षा का औसत भार निकालेंगे तो कुल भार में कितने का भाग देंगे, छात्रों की संख्या कितनी है 45 का भाग देंगे, देखो तो कितना आ जाएगा, 49.66 अपना क्या आ जाएगा, औसत भार आ जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है देखना, कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा। सुनना इधर, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है, 13 संख्याओं का माध्य यहां दे रखा है, 13 संख्याओं का माध्य बराबर कितना दे रखा है, 24। यदि संख्याओं में कितना जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, तो माध्य में क्या परिवर्तन होगा। देखिए यदि सीधा करना चाहे इस क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको सामने, उसका यदि एक नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि संख्याओं का माध्य दे रखा है और उन संख्याओं में प्रत्येक संख्या में जितनी संख्या जोड़ेंगे तो माध्य में भी उतनी संख्या जोड़ दो, वो क्या हो जाएगा, माध्य आ जाएगा। कहने का मतलब समझना, यहां दे रखा है कि 13 संख्याओं का माध्य कितना है, 24 है, प्रत्येक संख्या में यदि 3 जोड़ रहा है, इसका मतलब जो माध्य में परिवर्तन आएगा वो सीधा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहां 24 में कितना जोड़ देंगे दोस्तों, 3 जोड़ देंगे। कहने का मतलब जो नया माध्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ऐसे ही गुणा का है, ऐसे ही क्या है, माइनस का है। आई बात समझ में। लेकिन अपना यदि 3 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सुनना, यहां लिखता हूं, माना संख्याएं, माना संख्याएं कितनी मान ले, x1 x2 x3 x4 और यहां x13, टोटल 13 संख्याएं हैं, उनका औसत या माध्य कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो मैं यहां सीधा लिखता हूं, बिना सूत्र लिखे, आप सूत्र लिखना है आपको, मैं लिख देता हूं, ये लो भाई, माध्य x बार बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। सुनना इधर कैसे करेंगे, ठीक है, x भार माध्य कितना है, 24 है, ये लो भाई, संख्याओं का योग करेंगे तो संख्या अपन ने ये मानी है, तो यहां हम करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डैश कहां तक, x13 तक, बटे संख्याओं की संख्या, संख्याएं कितनी है, 13 है, ये लो भाई। अभी बात समझ में आती है, यहां यदि संख्याओं का योग जो आएगा वो आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश प्लस x13 बराबर कितना, 24 गुणा 13। यहां जब इसको सोलो करेंगे तो 13 चौक 52 का 2 बचेंगे 5, 13 दो 26 और 5 कितने हो जाएंगे, 31, 300 क्या हो जाएगा, 12 इनका योग हो जाएगा। यहां समीकरण कितना मान लें, 1 मान लें। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या करूं, प्रश्नानुसार प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर संख्याएं क्या बनेंगी, सुनना, संख्याएं इधर बनेगी, यहां बनेगी, देखना, x1 में मैं जोड़ दूं 3, x2 में 3 जोड़ दूं, x3 में 3 जोड़ूं, ऐसे ही चलता रहे, x13 में कितना जोड़ दूं, 3 जोड़ दूं। आई बात समझ में। तो जो ये संख्याएं हैं उनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो यहां फिर से क्या कर दूं मैं, इनका माध्य निकालेंगे, देखो क्या करें, एक्स बार बराबर x1 प्लस 3 प्लस x2 प्लस 3 प्लस x3 प्लस 3 प्लस x13 प्लस 3, ठीक है, बटे कितना,
13, क्योंकि संख्याएं तो 13 ही हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ यदि गुणा नहीं करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आगे देखते हैं, यहाँ x बाहर निकालेंगे, मैं x वाली संख्याओं को एक जगह कर लेता हूं, तो यहाँ देखना x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डैश x13, ये तो हो गया यहाँ पे प्लस 3 प्लस 3 प्लस कहां तक 13 बार आएंगे, कितनी बार आएंगे 13 बार आएंगे दोस्तों, बटे 13, क्योंकि यहां 13 संख्याएं हैं, उन्हें प्रत्येक में 3 3 जोड़ रहे हैं, तो कितनी बार आएंगी संख्याएं 3, कितनी बार आएगा 13 बार आएगा। तो यहां देखना x भार बराबर, यहां x1 प्लस x2 प्लस x3, तो यहां लिखता हूं समीकरण 1 से, तो यहां देखना x बार बराबर, इसका मान मैं कितना लिख सकता हूं 24 × 13 भी लिख सकता हूं, या फिर क्या लिख सकता हूं, क्या कर दूं 312 भी लिख सकता हूं। तो देखना यहां मैं क्या कर देता हूं 312 ही लिख देता हूं, ये लो प्लस, यहां जो है वो 3 कितनी बार है 13 बार है, इसका मतलब 3 कितनी बार है 13 बार है, बटे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा बराबर। अब देखो यदि आप यहां गुणा नहीं करते, सुनने बात, यहां यदि आप गुणा नहीं करते तो 13 यहां भी आ गया 24 आ रहा है, यहां भी 23 आ रहा है 13 आ रहा है, और यहां क्या है तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं कैसे देखो, यहां यदि ये नहीं करें और समीकरण यदि इसको 1 मान लूं तो देखना क्या होगा, सुनना भाई इधर, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, ये लो ठीक है। अब यहां बीच में प्लस का चिन्ह है, इधर भी 13 है इधर भी 13 है, तो दोनों में 13 कॉमन ले सकता हूं ना, ले सकता हूं, लेकिन आप क्या करोगे सुनना, ऐसे मत कर देना भाई कि 13 से मैं 13 काट दूं, 24 इधर आ गया, प्लस 13 को 300 गुणा करके 39 कर दूं, नहीं गलत हो जाएगी, ठीक है। क्या करना है अपने को, यहां x भार बराबर, यहां 13 है, यहां 24 बच गया, प्लस का चिन्ह यहां 3 बच गया, बटे 13, अब काट सकते हैं 13 से 13 कट जाएगा, 24 और 3 कितना आ जाएगा 27। तो अगला पूछा है कि माध्य में क्या है, समांतर माध्य में या माध्य में क्या परिवर्तन होगा, तो बताइए माध्य में परिवर्तन क्या हुआ, माध्य 24 था, 24 के जगह क्या हो गया 27 हो गया, कहने का मतलब 3 ज्यादा हो गया, तो माध्य नया माध्य जो प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, वो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्या है, अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये तो आपको सीधा भी पूछ सकता है, देखो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन बनता है, यहां आपको कोई वैल्यू दे दे, जैसे 40 दे दिया और 20 दे दिया, कोई वैल्यू दे दे और इसका माध्य पूछ ले, ये नहीं दे रखा होगा तो माध्य कैसे पूछेगा, कैसे करेंगे, यहां क्या करेंगे, एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, तो यहां एक्स और क्या कर देंगे, एफ को गुणा कर देंगे, एक्स और एफ को गुणा करके लिख लेंगे इधर, और जो योग करेंगे वो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, और x भार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा क्या होता है, f होता है, उससे निकाल लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ऐसे बनता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, यहां अपने को एक नहीं दे, मान ले यहां तो 40 दे दिया लेकिन यहां नहीं दे, तो कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे, यहां माध्य निकाला हुआ होगा, माध्य दे रखा होगा, यहां एक्स मान लेंगे, इनका क्या करेंगे एफ एक्स ही निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे दोस्तों, एफ एक्स निकालेंगे, और एफ एक्स निकाल के इनका योग कर लेंगे, तो वो सूत्र लगेगा सिग्मा, सॉरी एक्स भार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा क्या एफ वाला, और आसानी से आ जाएगा। लेकिन इससे बाद वाला क्वेश्चन भी पूछ ले कि यहां अपने को क्या नहीं दे रखा, दो नहीं दे रखे, दो वैल्यू नहीं दे रखी, दो बारंबारताएं नहीं दे रखी, और ये पूछ लिया क्वेश्चन में कि जो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां मान लेता हूं कि यहां जो अज्ञात बारंबारता है, यहां तो x मान लेता हूं और यहां क्या मान लेता हूं मैं, y मान लेता हूं, x और क्या मान लिया, y मान लिया, pq मान सकते हो, ab मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अब यहां सुनना, अपने पास जो आएगा, ठीक है, यहां पे अपने पास जो योग आएगा वो सिग्मा f का योग आएगा, सुनना इधर, पहली बात तो सिग्मा f का योग आएगा जब इसको जोड़ेंगे तब, क्वेश्चन में अपने को यह दे रखा है कि जो योग है इसका वो कितना है 200 है, लेकिन भाई अपने हिसाब से यदि योग करूं मैं मेरे हिसाब से यदि सिग्मा एफ निकालू तो क्या आएगा देखना, 6 और 5 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 का 1 हो जाएगा,
एक और एक दो, दो और दो चार, चार और चार कितने आठ, छियासी हो गया। ये एक्स और ये वाई, तो ये तो एक्स और ये क्या आ जाएगा वाई। कहने का मतलब अगला जो योग दे रखा है इस बारंबारता का वो 200 दे रखा है, लेकिन मैं ये जब योग निकाला तो कितना आया, छियासी प्लस एक्स प्लस कितना वाई आया। ठीक है, आगे जिसमें काम करना है वो तो सिग्मा एफ एक्स सॉरी एक्स एफ या एफ एक्स निकालना ही है। एक्स को और एफ को क्या करना है, गुणा करना है। देखना यहां जब गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, यहां जब गुणा करेंगे तो एक्स आएगा, यहां करेंगे तो दो वाई आएगा। 25 होते हैं 75 और यहां 40 आ जाएगा और यहां कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहां जो बात करूं मैं, यहां सिग्मा एफ एक्स निकाले तो क्या आएगा, सुनना, यहां पे एक्स एरा प्लस दो वाई एरी प्लस इसका जब योग करेंगे तो यहां तो 75 रहा, ये 25 रहा, 100 और 40 कितना हो जाएगा 140। अब यहां समझना करेंगे क्या, ये तो सारणी की बात हो गई अपने, यहां देखना क्योंकि आपको ये लास्ट वीडियो में अपने बात की थी कि यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण या दो चरों वाला कोई भी समीकरण आ जाए उसमें कम से कम कितने समीकरण चाहिए सोल्व करने के लिए, दो समीकरण अपने को जरूर चाहिए। ठीक है, तो यहां पर दो समीकरण कैसे बनेंगे यहां समझना, मैं बनाता हूं। पहला तो यहां से बनेगा और यहां से कैसे बनेगा, यहां अपने को दे रखा है कि भाई अपने तो निकाला तो क्या है, छियासी प्लस एक्स प्लस वाई ये आया, छियासी प्लस एक्स प्लस वाई अपन ने योग निकाला तो ये आया, लेकिन अगला क्या दे रखा है कि इसका योग कितना है 200 है। इसका मतलब ये और अगला दे रखा है वो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे बराबर। क्यों होंगे, क्योंकि ये भी एफ की वैल्यू है और ये 200 है वो भी क्या है एफ की वैल्यू है। ठीक है, यहां जब सोल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 200 माइनस कितना छियासी। ठीक है, और जब इसको सोल्व किया तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा और समीकरण नंबर कितना हो गया एक हो गया। अगला जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, हम जानते हैं समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है फॉर्मूला होता है। यहां जो वैल्यू दे रखी है x बार की वो है 1.46 बराबर, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ये अपने पास तो कितना है x प्लस दो वाई प्लस 140 बटे सिग्मा एफ का योग कितना दे रखा है अपने को 200 दे रखा है, कितना दे रखा है 200 दे रखा है। अब इसको सोलो कर दो, इसको जब सोलो करेंगे तो ये वज्रण हो जाएगा तो अपने पास आएगा x प्लस दो वाई प्लस 140 बराबर 1.46 गुणा कितने 200। यहां देखना आप सीधा भी कर सकते हो क्योंकि पॉइंट है वो दो अंकों से पहले है यहां। ठीक है, इसका मतलब यहां दो जीरो है तो पॉइंट और दो जीरो हट जाएंगे। ठीक है, तो मैं सीधा कर देता हूं, देखना x प्लस दो वाई प्लस 140 बराबर, यहां देखना दो जीरो तो दो जीरो ऐसे कैसे, दो को छह से गुणा करेंगे 12 आएगा, चार दो आठ एक 9 आएगा और यहां दो एकम कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 192। दो अंक छोड़ के क्या है पॉइंट है तो यहां लग जाएगा और इसका मतलब कितना हो गया 292 ही हो जाएंगे और इक्वेशन नंबर कितने आ गई 2 आ गई। ठीक है दोस्तों, कितने आ गई 2 आ गई, यहां जब गुणा किया तो कितना आ जाएगा 292 आ जाएंगे। यहां देखना समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से आपको पता है कि यदि दो समीकरण आ जाए दो चरों वाले और उनको सोल्व करने की सबसे आसान विधि है वो विलोपन विधि है। क्या है दोस्तों, विलोपन विधि। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको कितनी विधियों से हल कर सकते हैं, तो इनको चार विधियों से सोल्व कर सकते हैं। कौन कौन सी से, पहली विलोपन विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी जो है वज्रण विधि और चौथी जो लास्ट वीडियो में पढ़ने पड़ी थी ग्राफीय विधि, आलेखित विधि। आई बात समझ में, यहां मैं विलोपन विधि से सोल्व करूं तो क्या होगा, सॉरी अभी तक समीकरण नहीं बना क्योंकि यहां 140 भी तो है, इसको सोल्व और करें तो x प्लस दो वाई बराबर 292 माइनस 140। ठीक है, यहां आ जाएगा x प्लस दो वाई बराबर, दो में से जीरो गया दो आएगा, नौ में से चार गए पांच आएगा, दो में से एक गया एक आएगा, ये समीकरण नंबर दो है। ठीक है दोस्तों, यहां
अपने 140 को बचाए नहीं थे। अब समीकरण एक और दो से देखना, यहां मैं समीकरण दो लिख लेता हूं एक्स प्लस दो वाई, किसी को यह नहीं मालूम कि विलोपन विधि होती क्या है तो देख लेना। दूसरा जो समीकरण है वो कहां है, ये रहा, इसको नीचे लिख लो। अब आपको मालूम है कि इस विलोपन विधि में क्या है, या तो x के गुणांक बराबर होने चाहिए या y के गुणांक बराबर होने चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो गुणांक बराबर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों के गुणांक बराबर है x वालों के, तो मैं सीधा घटा सकता हूं, और घटाने पर जो नीचे वाला समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहां माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, दो में से एक गया वाई बचेगा। यहां 152 में से 14 गए, 152 में से 114 जाएंगे, तो देखो 12 में से 4 गए, 12 में से कितने जाएंगे 4 जाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। यहां 4 बचा, 4 में से एक गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 38 आएगी, ये तो एक आएगी। यहां देखना वाई का मान समीकरण एक में भी रख सकते हो, दो में भी रख सकते हो, तो मैं एक में रख दूं। एक में रखने पर y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक कहां है, ये रहा, तो x प्लस y की वैल्यू 38 बराबर 114, x बराबर हो जाएगा 114 माइनस 38 हो जाएगा। यहां x बराबर 14 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां पे देखो 10 बचे, 10 में से 3 गए तो 7 बचेगा, ये क्या आ जाएगा 76, x की वैल्यू आ जाएगी। तो एक तो आया अपने पास 76 और एक कितना आ गया 38 आ गया। जो ऊपर आएगा यहां पे जो आएगी वो तो क्या हो जाएगी 76 हो जाएगी, और यहां आएगी वो क्या हो जाएगी 38 हो जाएगी। देखिए दोस्तों जो है क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन किया है अपन ने वो असतत बारंबारता का था, जो ये क्वेश्चन है वो वर्गीकृत जो सारणी दे रखी है वर्गीकृत बारंबारता का है, तो कैसे करेंगे। देखिए तीन प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्गीकृत जो बारंबारता है उस सारणी के क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। पहला सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित बंटन का कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित बंटन का कल्पित माध्य इतना कुछ दे रखी होगी मानकर समांतर माध्य ज्ञात करो। और चौथा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित बंटन का पद विचलन विधि से क्या निकालो, समांतर माध्य ज्ञात करो। तो चारों विधियां मैं बता देता हूं, बने रही है हमारे वीडियो के साथ अंत तक। और हाँ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो पढ़ते हैं, देखो सबसे पहले अपन सीधा समांतर माध्य कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पे बारंबारता है अपने, तो एफ आर एफ है, यहां पर मैं एक्स आई निकालू, और कैसे निकालूंगा, ये क्या होता है एक्स आर, ये होता है मध्यमान। मध्यमान क्या होता है, माध्यमान क्या होता है, इनका माध्य जो मान है वो यहां लिखेंगे। और माध्य क्या है, दो संख्याओं का माध्य क्या होता है, दोनों का योग करके दो का भाग, या दोनों संख्याओं का आधा। तो यहां 10 और 0 10 हो जाएगा, आधा 5 हो जाएगा। यहां 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 और 15, यहां पे 25, यहां पे 35, और यहां कितना 45। सीधा सीधा लास्ट जो सारणी में बंटन में पढ़ा था एक्स भार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो यहां क्या होता है, इनका क्या करेंगे, x को और f को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो यहां देखना क्या हो जाएगा, 9 को कितने से गुणा करेंगे 5 से, 9 पंजे कितने होते हैं 45, और 15 को जब अपन किससे गुणा करेंगे 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आएगा। देखो कैसे आएगा, 15 दोनों 30 का 0 3 बचेगा, और 15 एक 15 और 3 कितने 18, ठीक है। जब 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125, तो 12 बचेंगे, 25 पंजे 125, और 25 से कम 25 और 25 37 आ जाएगा 375, यहां 350 आ जाएगा, और जब यहां गुणा करेंगे तो 14 पंजे कितने होते हैं 70 होते हैं, ठीक है। और 1400 कितने होते हैं 56, 56 और 7 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 56 और 7 कितने होंगे 63 हो जाएंगे, 56 और 7 कितने होंगे
63 हो जाएंगी। तो इसकी जो एक्स आई एफ आई कितनी आएगी, यहाँ 630, 350, 375, 180 और कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब क्या करें, बारंबारता और इनका क्या करें, योग करें तो सिग्मा एफ आई कितना आएगा, यहां देखना, ठीक है, यहां देखना, 9 और 2 कितने, 11, 11 और 4 15 और 5 कितने, 20, 2 और 1 3 4 5 6 ठीक है, 60 आ गई। ये तो लो भाई सही है, यहां जब इनको योग किया तो 5 और 5 10 1, यहां 8 और 4 12, 12 7 19, 19 और 5 24, 24 और 1 25 और 3 28, 2 2 6 कितने, 8 8 3 11, 11 3 14, 1 कितने हो गए, 15। तो इसका योग आ गया, वो कितना आ गया, 1580 आ गया। अब देखो इसका कैसे निकालेंगे, तो x भार इक्वल टू 1580/60, 0 से 0, 6 2 ने कितने हो गए, 12, बचेंगे कितने, 3, यहां 8 उतारा तो 6 6 कितने हो गए, 36, बचेंगे कितने, 2, पॉइंट लगाया 0 लगाया, 6 3 कितने हो गए, 18, और यहां 2 0 3, तो x बार की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 26 पॉइंट कितने आ गए, 3 3, ये क्या हो जाएगा, लगभग इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यदि अपने को क्वेश्चन ये पूछा हो कि निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो, तो इस विधि से भी अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, सही है और इजी है। लेकिन यदि कल्पित माध्य का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे देखना, तो मैं कल्पित माध्य का क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्या है, देखिए सामने क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसे है कि निम्नलिखित बंटन का कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करो, कल्पित माध्य से क्या निकालो, माध्य ज्ञात करो या समांतर माध्य ज्ञात करो। देखो बिल्कुल आसान है, यदि आप समझोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी, बिल्कुल आसान है, कैसे है समझते हैं देखना। यहाँ पर अपने को क्या करना है, वही सबसे पहले माध्यमान निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, माध्यमान निकालना है। तो माध्यमान निकालेंगे तो वही एक्स आई निकालेंगे, और माध्यमान कितना होगा यहाँ पे देखना, यहाँ पे है वही माध्यमान होगा तो 5 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 15 होगा, यहाँ पे होगा जो 25 होगा, यहाँ पे 45 होगा, और यहाँ पे सॉरी 35 होगा, और यहाँ क्या होगा, 45 होगा। आई बात समझ में, अब क्या करना है अपने को, कल्पित माध्य मानना है, जो एक्स आई माध्य मान निकाला उसमें से कल्पित माध्य मानना है, कल्पित माध्य मानना है। पहली बात तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है कि इसको कल्पित माध्य मानकर इस विधि का क्या निकालो, समांतर माध्य ज्ञात करो। लेकिन यदि नहीं दिया हुआ हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें संख्या इसमें क्या है, वर्ग कितने हैं देखना, 1 2 3 4 5। तो क्या करना है, साधारणतः अपने क्या कर सकते हैं अपन, कि यदि 5 आ जाए, विषम संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी, तो विषम संख्या में 1 जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो 6 में 2 का भाग दिया तो 3 आएगा, कहने का मतलब तीसरा पद क्या हो जाएगा इसका, कल्पित माध्य मान लेंगे, नहीं दिया हुआ हो। लेकिन संख्या क्या आ जाए, सम आ जाए, तो सम में क्या करेंगे, सुनना, जैसे अपने पास 6 दी हुई होती, यहां पे कुछ आता 55 आ जाता, कौन सा लेते, सुनना, 6 में ना 2 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा, और 6 में 3 में फिर एक और जोड़ देंगे, 3 में क्या कर देंगे, एक और जोड़ देंगे, कहने का मतलब इसका तीसरा पद भी ले सकते हो और एक जोड़ने पर चौथा पद भी ले सकते हो, दोनों में से आप कोई भी ले लोगे, दोनों में आंसर समान आएगा, दोनों में आंसर सही आएगा, गलत बिल्कुल नहीं आएगा। बात समझ में आई होगी कि इनकी यदि गिनेंगे, काउंट करेंगे, काउंट करके विषम संख्याएं आएंगी तो विषम में एक जोड़ देंगे, वो संख्या क्या हो जाएगी, माध्यमान जो हो जाएगा वो हो जाएगा कल्पित माध्य। लेकिन यदि सम संख्या आई तो सम संख्या में सीधा भाग दे लेंगे 2 का, वो आई और उससे जस्ट अगला पद, दोनों में से कोई भी अपन ले सकते हैं। आई बात समझ में, तो अपने पास 5 है तो मैं क्या मान लू, कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य को अपन निरूपित किससे करते हैं, ए से, और ए बराबर कितना मान लो, 25 मान लो, ठीक है। कल्पित माध्य से निकालेंगे तो अपने को डी निकालना पड़ेगा, और डी होता क्या है, एक्स माइनस क्या होता है, ए होता है, क्या होता है, एक्स माइनस क्या होता है दोस्तों, ए होता है, बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है। अब देखिए क्या निकालेंगे, जब डी निकालेंगे तो एक्स में से, यहां 5 में से मैं क्या करूं, ए 25 निकालूं तो 20 किसका बचेगा, माइनस का। अब आपको याद रखना है, यहां प्लस का आए तो प्लस रखना है, माइनस आ जाए तो माइनस का रखना है, यहां 15 में से 25 गया 10 बचेगा माइनस का,
यहां जीरो प्लस का 10 और प्लस का कितना 20 बच जाएगा। इसका देखना, यहां मैं कल्पित माध्य, माध्य से जब निकालेंगे माध्य तो क्या होगा, एक्स भार बराबर सूत्र क्या होता है इसका, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखो ए अपने पास आ गया, सिग्मा एफ आई जो आएगी इसका योग आएगा, और अब जब सिग्मा एफ और डी का गुणनफल है वो भी तो निकालना है, उनका भी तो योग करना है, तो यहां मैं क्या कर दूं, डी कोर एफ को क्या कर दूं, गुणा कर दूं, डी कोर एफ को क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो यहां देखना एफ और डी छह दोनों कितने हो गए 12 120, यहां माइनस के 100 हो जाएंगे, यहां जीरो हो जाएगा, यहां प्लस का 70 हो जाएगा, और यहां चार दूनी 8 80 हो जाएगा प्लस। अब देखो यहां इसका भी योग करना है सिग्मा एफ आई और डी आई का, तो योग करने का एक तरीका है कि यहां दोनों माइनस वालों को अलग ऐड कर लो, जोड़ लो, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 200 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे एक साथ तो 7 70 और 80 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब दोनों में जोड़ लो, ये भाई प्लस का 50 150 और ये माइनस का 220, जब माइनस के 220 में से प्लस का 150 गया तो अपने पास जो बचेगा वो माइनस कितना बचेगा 70 बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 70 बच जाएगा। यहां पे यदि मैं एफ का योग करूं तो सिग्मा एफ बराबर 7 और 3 10 और 4 14 14 और 6 कितने हो गए 20, 2 बचे, 2 और 1 3 कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, आई बात समझ में आपको, ठीक है, तो वहां रख दो भाई वैल्यू, तो x बार इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 70 और यहां देखो माइनस का 70 बटे यहां कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहां देखिए जीरो से जीरो कट गया, अब सिग्मा भार जब ये माइनस आके यहां क्या हो जाएगा प्लस से गुणा होगा तो माइनस बनाएगा और 7 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप लघुत्तम लेके भी सोल्व कर सकते हो या फिर सीधा भी कर सकते हो, और सीधा कैसे कर दूंगा देखना, 4 का भाग 7 में देंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4, 7 में से जब 4 गए बचेगा 3 0, 700 कितने हो गए 28, ठीक है दोस्तों, सॉरी 28, यहां बचेंगे 2 और 0 और 4 कितना हो जाएगा, सॉरी यहां पे 7 बचेंगे कितने 7 4 28 और 5 आ जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब 25 में से 1.75 घटाएंगे तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 5 आएगा। यहां देखना x बार बराबर 25.00 माइनस 1.75 23 पॉइंट कितना आएगा 2 5 आएगा। कैसे आएगा मैं समझा देता हूं आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 25.00 में से 1.75 घटाएंगे जब तो यहां जो 10 आएगा 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, यहां 9 में से 7 गए तो 2 आएंगे, यहां कितना बचेगा 4 में से 1 गया 3 आएगा और यहां 2 आ जाएगा। समझ में आई होगी बात, तो जो x बार बराबर कितना आएगा 23 पॉइंट कितना 2 5 और ये क्या हो गया इसका समांतर माध्य हो गया। तो कल्पित माध्य से यदि पूछे तो क्या निकालना है, माध्यमान निकालना है, डी निकालना है, डी एफ निकालना है और ये सो फॉर्मूला है सीधा सीधा वो निकालना है। ठीक है, आई बात समझ में। अब मैं इसी क्वेश्चन को पद विचलन विधि से करता हूं, किससे दोस्तों पद विचलन से करता हूं, तो देखना आप, तो यहां क्या निकालते हैं पद विचलन से निकालू तो यहां पद विचलन विधि से, देखना दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन समझना आप और समझ में आएगा बिल्कुल। यहां पे क्या निकालना है अपने को, पद विचलन से निकालेंगे तो भाई अपने को क्या निकालना है, डी तो निकालना ही है, और डी कैसे निकाला, कल्पित माध्य अपने को दे निकाल लिया या दे रखा होगा उससे अपने डी निकाल लिया, लेकिन जो पद विचलन होता है उसमें यू निकालना है, और यू होता क्या है सुनना, यू क्या होता है डी में किसका भाग दे दे एफ का, और एफ क्या होता है वर्ग अंतराल, इनमें जो अंतर है दोनों में डिफरेंस है वर्ग में जो अंतर है वो क्या होता है उसका एफ होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं ए बराबर तो अपने पास 25 आया, एफ बराबर कितना है सभी में अंतर 10 आएगा, तो यहां पे यू निकालू तो देखो 20 में मैं 10 का भाग दूंगा तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, यहां पे जो आएगा वो माइनस का 1 बचेगा, यहां 0 यहां प्लस का 1 और यहां प्लस का कितना
दो है वही विधि, सेम टू सेम विधि है, लेकिन सिर्फ ये है कि डी में कितने का भाग देना है, एफ का भाग। यदि आपको पद विचलन पूछा तो सीधा यहां पे भी आप क्या लिख सकते हो, ए निकाल लो, यू आई बराबर क्या निकाल सकते हो, एक्स एक्स माइनस ए बटा कितना कर सकते हो, एफ कर सकते हो। ठीक है, तो यहां सुनना फिर से, यहां पे जो इसका सूत्र होता है पद विचलन से, सूत्र क्या होगा माध्य का, एक्स बार बराबर होगा ए प्लस सिग्मा यू आई डी, सॉरी यू आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू कितना एच। ठीक है, आई बात समझ। तो फिर यहां पे देखो सिग्मा एफ आई जो आया वो यहां से आ गया, ए रहा एफ ये रहा, लेकिन ये सिग्मा यू आई डी आई निकालना पड़ेगा, इसलिए दोनों का गुणनफल यू आई और एफ आई का गुणनफल निकालेंगे। और यहां मैं गुणनफल निकाल देता हूं, 6 दूनी कितने होंगे 12, माइनस को 12, यहां पे कितना होगा माइनस का 10 होगा, यहां 0 होगा, यहां प्लस का 7 होगा, और यहां 4 दूनी कितने होंगे 8 होंगे। आई बात समझ। जब इसका योग करूंगा तो सिग्मा यू आई एफ आई, वही तरीका, माइनस वाले को अलग ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 22, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के कितने 15, प्लस के कितने हो जाएंगे 15, और 22 में से जब 15 जाएंगे तो माइनस के क्या बचेंगे दोस्तों, 7 बचेंगे, माइनस के कितने बचेंगे 7 बचेंगे। आई बात समझ में आप सभी को, आई बात समझ में। यहां पे देखो अब इसका योग मान निकालता हूं, एक्स बार बराबर 25 प्लस सिग्मा यू आई एफ आई की वैल्यू है माइनस का 7 बटे इसकी वैल्यू है 40 गुणा एच की वैल्यू है 10। देखो 0 से मैं 0 काट सकता हूं, सेम टू सेम पद विचलन वाला है, वो कौन सा है, कल्पित माध्य वाला ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस वो आपको पता है, गुणा एच करते हैं, यहां भाग देते हैं, एक्स बार बराबर 25, ये माइनस इधर आ जाएगा तो 7 बटे कितना आएगा 4 आएगा, और एक्स बार बराबर 25 माइनस का, जब 7 में 4 का भाग दिया था तो 1.75 आया था, और एक्स बार बराबर 25 में से जब 1.75 गया था अपना तो 23 पॉइंट कितना बचा था 25, और यही तो आंसर हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा लास्ट जो कल्पित माध्य वाला और पद विचलन वाला इंपॉर्टेंट होता है, और समझ में बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको आ गया होगा, दोनों सेम ही है लेकिन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, जो आप आज अपन ने पढ़ा है कक्षा 10th के जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, उसमें अपन ने पहला जो प्रकरण है वो क्या है, माध्य जो समांतर माध्य है वो पढ़ा है, समांतर माध्य के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अपन ने किए हैं, आपको पूरा मैंने करवा दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन आप और कीजिएगा, यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देखिए, फिर भी यदि आपके बुक में कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको डाउट आता है तो नीचे आपको सामने वीडियो में आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, उन व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फोन कॉल से भी पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो टॉपिक है, प्रकरण है माध्यक, उसको माध्यिका भी बोलते हैं, उसकी बात करेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, आप यदि वीडियो आज वाला वीडियो जो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।